अगर हम नवकर कॉरपोरेशन की तरफ देखें तो किस तरीके से दिख रहा है? नौकर कॉप की बात करूं तो नौकर कॉप जो है वो एक ट्रेन लाइन सपोर्ट बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है, बट कहीं ना कहीं तो सपोर्ट को होल्ड करने के चांसेस फिलहाल पे तो नहीं दिखाई दे रहे। तो इसको बाय किया जा सकता था, लेकिन वो जो बाइंग का लेवल था उसको ब्रेक करके ऑलरेडी स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है, तो लगता है कि और भी इसमें बड़ी गिरावट दिखाई दे सकती है। अगले कुछ दिनों में स्टॉक और थोड़ा सा नीचे आ सकता है, शायद से हमें 53 से 50 रुपीज तक के लेवल दिखाई दे सकते हैं। तो फिलहाल में बाइंग का कोई इस पे पैरामीटर नहीं है, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड ही दिखाई दे रहा है। फिलहाल में स्टॉक की कोई राय नहीं है, शॉर्ट भी कर नहीं सकते क्योंकि इंट्राडे का ही स्टॉक रहेगा, तो कितना पैसा मिलेगा वो उसकी गारंटी नहीं है। शॉर्ट टर्म तो बेचा नहीं जा सकता क्योंकि डेरिवेटिव में भी नहीं है, बाय ही करके पैसा कमाने वाला स्टॉक है, बट बाइंग का लेवल तो इसमें अभी तो नहीं है। अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो स्टॉप लॉस कुछ देंगे? सर एग्जिस्टिंग पोजीशन होगी तो मैं बोलूंगा कि वो एक स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड करे, 54 रुपीस का या 53 रुपीस का स्टॉप लॉस लगाए, क्योंकि इस लेवल बन रहा है लास्ट दो दिन तीन दिन का जो लोएस्ट पॉइंट था उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ 53-54 का। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद आराम से नीचे मुझे 48 तक का ही जो लेवल है वो दिखाई दे रहा है, तो 53 से अगर 48 की बात करूँ तो 13% का एक लोअर साइड हो जाता है।